राम राम जी। आज आप लोग का स्वागत है राजा जी के ढाबा में, और नवरात्रि का सभी को शुभ कामनाएं। आज हम आलू चना की सब्जी बनाने जा रहे हैं नवरात्रि वाले। तो देखिए, हमने 1 किलो ये चना लिया है और इसको बढ़िया से हम धो देंगे, और धो के हम इसको भिगो देंगे। अगर ये हमारा वीडियो आलू चना का आपको पसंद आता है तो इसको लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आपका पूरा पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी आप कमेंट्स करते हैं उसको हम धीरे धीरे पूरा करने की कोशिश करते हैं, और जो भी आप कमेंट्स करेंगे उसको भी हम धीरे धीरे पूरा करेंगे। और दोस्तों, मैंने एक नया चैनल शुरू किया है, मेरे हाथ का स्वाद। उसमें आप हमें सजेस्ट कीजिए कि हम उसमें घर का बनाया हुआ खाना डालें या ढाबा का भी डालें, दोनों मिक्स डालें, कैसे डालें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा। देखिए, हमने 1 किलो चना को बढ़िया से धो दिया है ये, और पूरा रात मैंने इसको भिगोया था, और भिगाने के बाद सुबह सुबह 1 कलछी तेल डाल दिया है कढ़ाई में, और तेल गर्म हो गया है, और उसी में हम चना डाल देंगे पानी छान के। तो आप ऐसे भी चना को भून सकते हैं, तो 5-7 मिनट अगर भूनेंगे तो भी ये भून जाता है चना। और अगर आपको पूरा ही बॉयल चना है, जैसे कि उंगली से दबाएं तो बिल्कुल महीन हो जाए, तो आप इसको कुकर में 2-3 सीटी लगवा दें तो भी आलू चना की सब्जी बन जाएगी। और ऐसे आप भूनेंगे 5-7 मिनट तो भी ये, क्योंकि रात भर भीगा होता है तो चना हो जाता है खाने लायक। लेकिन आपको अगर आप ऐसे नहीं बनाते हो, क्योंकि मैं सालों भर पूरा ऐसे ही बनाता हूँ आलू चना की सब्जी, और भी टाइम में बनाता हूँ, ये तो नवरात्रि के लिए बना रहा हूँ, और भी टाइम बनाता हूँ तो भी मैं ऐसे ही भून के ही बनाता हूँ। तो अगर आपको ऐसा पसंद है तो ऐसे डालिए। और देखिए, इसके लिए हमने साबुत मसाले लिए हैं, 2 बड़ी काली इलायची है, और 3-4 दालचीनी के हैं टुकड़े, और 8-10 काली मिर्च, और 5 लौंग का है, और हल्दी है, मिर्चा है, एक गरम मसाला है, धनिया पाउडर है। और ये देखिए, यहीं पर हमने अदरक को पीस के ले लिया है, और जीरा और 5-6 तेजपात के पत्ते हैं, और लाल मिर्च 5-6 साबुत है। देखिए, मैंने गैस जला दिया है और एक पतीला रख दिया है, इसमें हम पतीले में बनाएंगे, हमारा पतीला गर्म हो जाए। देखो, हमने पतीला को गर्म कर दिया है, और इसी में यहीं पे हमने 200 ग्राम रिफाइन ऑयल डाला है। आप चाहे तो देसी घी भी डाल सकते हैं, या सरसों का तेल नहीं बना सकते हैं, जिसमें आप खास खाते हो नवरात्रि का प्रसाद। और ये देखिए, यहीं पे हमने तेजपात 5-6 पत्ते और 1 बड़ी चम्मच जीरा का डाल दिया, और इसको हम थोड़ा गोल्डन ब्राउन हो जाने देंगे। थोड़ा भूनने के बाद हमने जो साबुत मसाले रखे थे, 2 काली इलायची, लौंग और काली मिर्च, और यहीं पे हम 6-7 लाल मिर्च जो हमने रखे थे वो भी इसमें डाल दिए। और तड़के के लिए ये साबुत ही तड़का मारते हैं, इसमें तो फ्लेवर बहुत मस्त आता है। आलू चने की हो या छोले की बना रहे हो आप, तो इसमें फ्लेवर मस्त होता है। दूसरा, क्योंकि इसमें हम लहसुन प्याज डालते नहीं हैं, तो इसका फ्लेवर तड़के में ही इसका फ्लेवर सब्जी में मंगाना पड़ता है। और यहीं पर हमने ये जो 100 ग्राम के करीब अदरक पीस के दे रखा था, आप चाहें तो काट के भी इसको डाल सकते हैं, तो हमने पीस के लिया है, और इसको बढ़िया से भून देते हैं अदरक को। और यहीं पे हम ये 1/2 किलो कटा हुआ टमाटर दिए हैं, आप चाहें तो टमाटर पीस के भी डाल सकते हैं, और इसको हम बढ़िया से भून देंगे। और आपको ये आलू चने नवरात्रि वाली सब्जी कैसी लगी, वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। और देखिए, हमारा टमाटर और अदरक बढ़िया से भुन चुका है, यहीं में हम 1 चम्मच लाल मिर्च डाल देते हैं। और यहीं पे 1 चम्मच हम हल्दी पाउडर, हमने छोले के भी सब्जी बनाया था वो बहुत आपने पसंद किया था। और देखिए, यहीं पर हम 1 चम्मच से ज़्यादा हम गरम मसाला डाल रहे हैं, और यहीं पर धनिया पाउडर हम 1 चम्मच डाल रहे हैं। आप धनिया पाउडर थोड़ा बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ग्रेवी में धनिया पाउडर काम बहुत बढ़िया करता है। और यहीं पर हमने ये लगभग 1 किलो चना में 1.5 किलो आलू दे दिया है, इसको उबाल के छील के और काट दिया। आप जैसा भी पीस चाहें वैसा काट सकते हैं, या और इसे ही
बारीक भी कर सकते हैं, ये थोड़ा इसमें बारीक करने के बाद दोनों मिल जाता है तो इसका ग्रेवी ज़्यादा पतला नहीं होता है, ग्रेवी इसकी ठीक हो जाती है। और देखिए यहीं पर हमने आलू डाल दिया है, और आपको किस हिसाब से बनाना है उस हिसाब से पानी डालें, अगर सूखा बनाना चाहते हैं तो सूखा बनाए तो पानी ना डालें, तो उसी हिसाब से आप नमक डालेंगे। अगर आप पानी डालेंगे थोड़ा नमक ज़्यादा डालना पड़ता है, तो आपको देखना है कि आपको ग्रेवी वाली सब्ज़ी ज़्यादा बनानी है या ठीक बनानी है या पतली बनानी है, वो आप अपने हिसाब से देख के और पानी डालें। देखिए हमारा ये पूरा सब मसाला बढ़िया से खौल रहा है, और जो हमने 1 किलो चना भून रखा था भिगोने के बाद, देखिए हमारा चना भुना हुआ इसी में हम डाल देते हैं, और हमारी ये आलू चना की सब्जी पूरा पूरा कंप्लीट हो गया। अब सारा सामान इसमें हमने डाल दिया है, इसको बढ़िया से खौला दें, और अपने हिसाब से इसको कितना मोटा पतला रखना है वो आप अपने हिसाब से करिए इसको। देखिए यहीं पर हम स्वाद अनुसार नमक डाल देते हैं। तो देखिए हमारी ये सब्जी पूरी बन के तैयार हो गई है, तो अगर ये आपको आलू चना की सब्जी अगर पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और हम फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए राम राम जी।